तेलंगाना के सीएम रविंद्र रेड्डी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल खड़े कर दिए। भारत के सैन्य बल पर इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाना, भारत की सेना के शौर्य के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी करना, ये कोई कांग्रेस का नेता ही कर सकता है। आप उस कांग्रेस पार्टी से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जो ऐसे व्यक्तियों को टिकट देते हैं जो भारत के टुकड़े होने की कल्पना रखते हैं। उनसे भारत की वैभव गाथा सुनने की अपेक्षा मत रखिए। और एक और बात कही उनकी, 2 महीने पीएम बनते ही 2 महीने के बाद योगी को हटा दिया जाएगा, जैसे बड़े बड़े नेता को साइड कर दिया। मुझे लगता है कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को अपनी कुर्सी की चिंता करनी चाहिए। वो अब तक मात्र गांधी खानदान के एटीएम है, बहुत जल्द गांधी खानदान नए एटीएम का निर्माण तेलंगाना में करेगी, ये वो भी जानते हैं। केजरीवाल ने भी यही बोला है कि योगी सरकार को मैं पुनः कहती हूँ, केजरीवाल साहब को जगत की चिंता छोड़कर ये चिंता करनी चाहिए कि पुनः जब जेल जाएंगे तो हिरासत में अपने दिन कैसे काटेंगे।